हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ अपडेट का ये एरर आ रहा है तो आप इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ की सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके गाइज, ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको जो है सेटिंग को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट, फिर आपको राइट क्लिक कर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है, फिर आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम, तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो अभी जो है यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ये प्रोसेस 100% कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, ओके। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए, फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज़ अपडेट। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट शो हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है एंटीवायरस डिसेबल कर देना है। अगर आप एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो आप डिसेबल कीजिए उसको, अगर आप एंटीवायरस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको विंडोज़ डिफेंडर के एंटीवायरस को डिसेबल कर देना है। यहाँ पर सर्च बार में टाइप कीजिए विंडोज़ सिक्योरिटी इस तरीके से। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए, फिर आपको जो है यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपको इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शंस ऑन दिख रहे हैं तो आप इनको टर्न ऑफ कीजिए इस तरीके से, ओके। आपको यहाँ पर से इसको टर्न ऑफ कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।